हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? आपके बड्स पे ठीक ठाक होंगे? तो आ गए हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे वो लूज मोशन के बारे में है, या हमारे बड्स फूल के बैठ रहे हैं, या कुछ भी उनके दिक्कत है, पेट से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत होती है। और बजीज पैरेट में तो ज़्यादातर लूज मोशन की दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं होती उनको। बाकी खांसी जुकाम नज़ला तो चलता ही रहता है। बाकी इनको इम्यूनिटी जो होती है, इनकी इम्यूनिटी पावर तगड़ी करेगी जो हम लेके आए हैं चीज़ इनके लिए आज। और यूट्यूब पे अभी तक मैंने सर्च करके देख लिया, किसी ने आज तक इसको ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करी है। मेडिसिन नहीं है, देसी है, देसी है हमारी चीज़ ही, इसको मेडिसिन नहीं कह सकते हम, देसी चीज़ है। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका, मेरे पास तो मैंने देख रखा रिजल्ट इसका। आज मैं इनको दे रहा था तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। जो भाई हमारे नए हैं, जैसे आपके घर में लूज मोशन की ज़्यादा शिकायत आ रही है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, या सुस्त बैठे हैं आपके बर्ड्स, एक्टिव नहीं है, तो इस वाली चीज़ को आप अगर आप अपने बर्ड्स को देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिविटी आ जाएगी उनके अंदर। बहुत मतलब सुस्त से बैठ रहे होंगे तो एकदम सुस्ती जो होगी भाग जाएगी, फुर्ती आ जाएगी उनके अंदर। और बाकी उनकी इम्यूनिटी जो होगी वो ग्रोथ होगी, उसकी अच्छी सारी इम्यूनिटी जो पावर बढ़ जाएगी उनकी। बाकी लूज मोशन और ये पेट से रिलेटेड जो भी संबंधित इनको बीमारी होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। डाइजेस्टन की जो प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना पीना ढंग से, तो इस मारे लूज मोशन लग जाते हैं इनको। हम जैसे कोई चीज़ देते हैं इनको, ज़्यादा खा लेते हैं क्वान्टिटी में, या ज़्यादा गीला सॉफ्ट फूड हुआ या कुछ हुआ, तो इसको इनसे ना बीमारी लग जाती है, फंगल वगैरह लग जाते हैं उसमें, तो उससे लूज मोशन भी हो जाते हैं। या ज़्यादा गीला सॉफ्ट फूड हो, या ज़्यादा देर रखा रहे कॉलोनी में सॉफ्ट फूड, तो उससे भी ज़्यादा इनको लूज मोशन या कोई बीमारी लग सकती है। तो उसी के लिए हम एक इलाज लेकर आए हैं इनके लिए, रामबाण इलाज है उसे कह सकते हैं हम। पतंजलि का जामुन का छिरका लेकर आया हूँ मैं, पतंजलि का जामुन का छिरका आपने सुना होगा। और स्क्रीन पे मैं आपको फ़ोटो शो करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो था ये है, देख सकते हो इसका जो फ़ोटो था वो बच्चों ने फाड़ दिया है, नया लेकर आया था ये। और पतंजलि का ये देख सकते हो, पतंजलि का इसके ऊपर मार्कर लगा होगा, तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं है ये, सस्ता ही है। ये देख सकते हो पतंजलि का है ये मार्कर, इस पर लगा हुआ। बाकी जो इसके ऊपर जो चिट लगी हुई थी वो बच्चों ने छुटा दी है, तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 70 रुपये का से लेकर 80 रुपये तक का होगा, और ये सब जगह इसका एक ही रेट होगा, क्योंकि पतंजलि के स्टोर तो सब जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं। तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार यूज करके देखना। मैं तो यूज कर रहा हूँ आज, फिर मैं इनको देता हूँ। थोड़ा मुझे सुस्त लग रहे हैं, एक हाथ को इनको लूज मोशन भी हो रहा है, तो मैं दे देता हूँ इनको थोड़ा थोड़ा ही। और आपको 1 लीटर पानी में 2.5 ml देना है, ये लिक्विड होता है, पानी में मिल जाता है अच्छे तरीके से। तो मेरे पास तो ये देख सकते हो पानी के पॉट हैं खाली, तो इसमें मैं आधा आधा ढक्कन डाल लूँगा, आधे से भी आधा ढक्कन डालूंगा इसमें मैं, तो बाकी उंगली से हिला दूंगा। और सादा कंगनी देनी है आपको, अगर लूज मोशन हो रहे हैं आपके बर्ड्स को, तो आपको कोई सॉफ्ट फूड नहीं देना है, खाली सादा कंगनी देनी है। उसके अंदर आपको कोई भी ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड कुछ नहीं देना उस दिन, 3-4 दिन लगातार आपको दाना ही देना है सूखा। क्योंकि अब लूज मोशन हो रहे हैं, तो उनको अगर हम सॉफ्ट फूड देंगे तो और ज़्यादा लूज मोशन उनको बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कोई लूज मोशन वाली दवाई आप जब भी दें तो आप कोई सॉफ्ट फूड ना दें। और ज़्यादा जिसको लूज मोशन हो रहा है तो उसको तुरंत अलग करें एक हॉस्पिटल केज में, या आपके पास हॉस्पिटल केज हो या कोई अलग पिंजरा पड़ा हो, तो उसके अंदर उसे पकड़ के उसके अंदर उसको ट्रीटमेंट दें। अगर पूरी कॉलोनी में जैसे 2-4 को हो रहा है तो सबको दे सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं देगा ये चीज़ जो है। लूज मोशन की दवाई दे रहे हैं तो शायद उसको ज़्यादा अगर जो लूज मोशन हो रहे हैं तो डायरेक्ट पकड़ के उसके मुंह में भी डाल सकते हैं मेडिसिन। लूज मोशन की पावर जेल आती है और फ्लाई जेल आती है, मैं तो यही यूज करा रहा हूँ। बाकी पावर जेल भी मैंने यूज करा के देख ली है, मेट्रो जेल भी यूज करा के देख ली है, रिजल्ट सबका बढ़िया है। मगर ज़्यादा जिसको हो रहा है तो उसको देना है आपको, बाकी जैसे हल्के फुल्के हो रहे हैं सबको तो आप इनकी इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी है, सुस्त बैठे हैं कुछ बैठे हैं, तो आप इनको ये दे सकते हैं जामुन का सिरका। बाकी अगर जो जस्ट की ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसको आप अलग कर दें कॉलोनी में, तो क्योंकि पूरी कॉलोनी में फैल सकता है लूज मोशन। जैसे ये पिंजरा पड़ा हमारे पास, अभी इसमें हमारे सेल वाले बर्ड्स पड़े हुए हैं जो हम सेल करेंगे, और बाकी एक पिंजरा अलग पड़ा हुआ है मेरे पास, हॉस्पिटल केज भी पड़ा हुआ है। अगर कोई, पहली बात तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हॉस्पिटल केज की, अभी तक कोई बीमार नहीं पड़ा ज़्यादा, होता बीमार तो मैं उसको अलग कर देता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे। बाकी रखा हुआ है मेरे पास, हॉस्पिटल केज रखना चाहिए आप लोगों को अपने पास, क्योंकि आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी मैं इनको डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा पानी में, फिर इनको दे देता हूँ, दाना भी रख देता हूँ, देख सकते हो आपके सामने ही खोल के रख रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा हिला लिया मैंने ऐसे अच्छे तरीके से, तो इसमें हम ढक्कन से
डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर आपको दिखाते हैं। और देख सकते हो सबको दाना पानी रख दिया है मैंने। दाना पानी रखते सब लोग खाना आ गए हैं, स्टार्ट कर दिया खाना। देख सकते हो दाना भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। जिसको पानी पीना हो पी लेगा। मैंने पानी में वो मिला दिए, सिरका मिला दिया है। सब एक एक करके नीचे उतर के आ रहे हैं, तो खाना स्टार्ट कर दिया सबने। देख सकते हो खाने में मस्त है एकदम, कोई डर नहीं रहा है मुझसे। और आपस में इन लोगों का बहुत, मेरा और इनका बहुत अटैचमेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले से पल रहे हैं मेरे पास ही। और मैं जाता हूँ कॉलोनी में तो मेरे हाथ पे भी आगे खाते हैं। देख सकते हो ये भी खाना स्टार्ट कर देंगे सारे। तो यही थी एक इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और छोटी सी आपके लिए एक वीडियो थी। टाइम निकाल के आप वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।